Hello everyone, my name is Mukuna. Welcome back to once again another video of Autumn Mobile. So guys, today I am going to review fully fitted and one of the most expensive Pulsar series की lineup में से जो bike है वो है RS 200। उस bike का हम review करेंगे, क्या आपको changes as compared to BS4 देखने को मिलेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। So guys, start करें इस वीडियो को बिना किसी तरीके, let's rock। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एप्को बजाज। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो और ये बाइक या फिर कोई भी बजाज की बाइक आपको परचेस करनी हो तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ आपको चेंजेस एज कम्पेयर टू BS4 से BS6 में मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है, इसके साथ कैटलिक कन्वर्टर एंड एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले से, और रिफाइंड बाइक एग्जॉस्ट साउंड में आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि O2 सेंसर वो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। फुली फेयरिंग होने की वजह से मैं आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता। सो गाइस, बाकी ओवरऑल आपको BS3, BS4, BS6 में जो आपको फीचर्स एंड कंपोनेंट्स वो सभी आपको सेम देखने को मिलता है। फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, LED इंडिकेटर्स एंड LED DRLs आपको मिल जाती है। इसके साथ फ्रंट टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 100 का टायर आपको मिलता है फ्रंट में, एंड 300mm की डिस्क विथ ABS एंड ब्रेक कैलिपर्स आपको मिल जाते हैं, एंड नैलो ग्रिप के आपको टायर मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी रोड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। इस बाइक में आपको अभी ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, काफ़ी अच्छा बजाज ने काम किया है ड्यूअल चैनल ABS देखे इस बाइक में। तो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं तो NSRS में सभी बाइकों में आपको पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, साइड साइड इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन और सभी बाइक में बेसिक इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं। इसके साथ बैकलाइट पल्सर की स्विचेस जो पल्सर की पहचान है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, एंड पहले से काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे फिट एंड फिनिश मिलती है जो आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये बाइक अभी 0.3 Nm जितना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, एंड अब इसमें आपको 200cc लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ इंजन मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 24.5 PS। इसके साथ टॉर्क आपको 18.7 Nm जितना देखने को मिलता है, एंड ये 200cc में वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक है इन द 200cc सेगमेंट। ये इजीली 150 km/h तक अचीव कर सकती है बाइक, ये इतनी बाइक कैपेबल है, और स्पेशली इसका BS3 वेरियंट है वो 160 तक आप उसे पहुँचा सकते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं रियर सेक्शन के बारे में। तो रियर सेक्शन में आइकॉनिक आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, इसके साथ LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो सेम आपको BS3 BS4 में मिलते हैं वही, एंड स्पेशली यहाँ पे आपको रेस टाइप एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा बेस प्रोड्यूस करता है, एंड टायर आपको रियर में 130 का मिलता है, एंड जो आपको रोड ग्रिप मिलती है इस टायर से वो काफ़ी अच्छी मिलती है। मैं यहाँ पे चाहता था कि इस बाइक में आपको एटलीस्ट 140 का टायर मिलता है जिस प्रकार इसका परफॉर्मेंस एंड रोड प्रेजेंस आपको मिलता है, तो आपको 140 का टायर एटलीस्ट मिलना चाहिए था। एंड इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पेटल डिस्क मिलती है। सो गाइस, अभी इस बाइक में आपको दोनों ही आगे और पीछे आपको ड्यून पैनल ABS मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइस, अभी सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नॉट। तो गाइस, आपने सुना एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी अच्छा स्मूथ रिफाइंड आपको एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी मिलता है, एंड रेड लाइन पे इसकी स्पेशली साउंड काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा गाइस, मेरे को यहाँ पे एग्जॉस्ट नॉट थोड़ा कम बेजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू NS, या फिर ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको ये सभी आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। BS6 वेरियंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो गाइस, इस बाइक की ऑनर प्राइस के बारे में बात कर ले तो ये करीब 171,000 के करीब आपको मिलती है। इसका मेन कॉम्पिटिशन है वो है R15 version 3 अभी जो लेटेस्ट में आई है वो, तो एज़ कम्पेयर टू R15 अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आप डेफिनेटली RS 200 परचेस करें, एंड हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी। R15 में आपको नो डाउट स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, बट जो इनिशियल एक्सेलरेशन एंड पावर डिलीवरी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, एंड इसका अभी कर्व रेट 163 kg के करीब आपको मिलता है। सो गाइस, अभी इस पर हम चलाएंगे और राइड व्यू में आपको क्या कुछ चेंजेस मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे।
सो गाइज राइट नाउ आई एम ड्राइविंग दी पल्सर RS200 BS6 ट्विन चैनल ABS वेरिएंट जो 2020 का लेटेस्ट है। पहले बात करने से पहले थोड़ी स्ट्रेच करेंगे, फिर परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज लो एंड पंच के बारे में बात करते हैं, तो लो एंड पंच काफ़ी अच्छा आपको मिलता है 200cc के हिसाब से, और गाड़ी जब मिड पे आती है तो मिड भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग। एंड जो मेनली पॉइंट इसके बात करते हैं वो है टॉप एंड परफॉर्मेंस। 4000-5000 RPM से जब बाइक को आप स्ट्रेच करते हैं अब, तो एक पूरा बाइक का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है और एक बाइक बीस टाइप बन जाती है और आपको एक अलग सी फीलिंग एंड बाइक आपको 200cc से भी ज़्यादा की लगती है, इतना यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पंच देखने को मिलता है। सो गाइस अब बात करते हैं सीटिंग पोस्चर के बारे में, तो मैंने सोचा था कि ये बाइक थोड़ी अग्रेसिव होगी, बट यहाँ पे आपको राइडिंग स्टाइल काफ़ी अपराइट देखने को मिलती है और कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आपको मिलती है एज़ कम्पेयर टू RM5 Version 3 जिसकी राइडिंग पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव है, और यहाँ पे आप इजीली टक इन भी कर सकते हैं। एंड फुल्ली फेयरिंग होने की वजह से आपको काफ़ी कम विंड ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसके एडवांटेज से आप इसको टूरिंग पर्पज से भी इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं ब्रेकिंग बाइट के बारे में। सो गाइस रियर ब्रेक के बाइक के बारे में बात करते हैं, तो ओके टाइप आपको डिसेंट जो सभी पल्सर में मैंने देखा है कि रियर ब्रेक की बाइट प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं होती, आपको एक हल्का हल्का सा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रियर में देखने को मिलता है। देन गाइस अभी बात करते हैं फ्रंट ब्रेकिंग बाइट के बारे में, तो फ्रंट ब्रेकिंग बाइट में आपको 300mm की मैसिव डिस्क मिलती है, जिसकी वजह से आप इनिशियली 20% ब्रेक प्रेस करते ही आपको बाइट देखने को मिल जाती है। एंड जब ABS इसका ज़बरदस्त इंक्लूड नहीं करता और दोनों ही सेटअप आपको फ्रंट में 300mm एंड रियर में 230mm की डिस्क, जिसकी वजह से काफ़ी लाजवाब आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड स्पेशली इसमें आपको ट्विन चैनल ABS जो BS4 वेरिएंट में नहीं था वो इसमें मिल गया है, तो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। तो गाइस अभी सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको 37mm फोक्स मिलते हैं, जो यहाँ पे इसकी स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, जिसकी वजह से आपको डिसेंट अपराइड क्वालिटी मिलती है। और इसमें आपको कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से बजाज ने फ्रंट सस्पेंशन ऐसा ट्यून किया कि कॉर्नर पे बाइक काफ़ी स्टेबल रहे, और रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है जो थोड़ा स्टिफ है, जो सभी बाइकों में आपको ऐसा ही सेटअप सेम देखने को मिलता है। एंड कोई भी गड्ढे या पॉटहोल में आपको हाई स्पीड में वो बाइक बहुत बाउंस नहीं होगी और एक स्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करेगी। सो गाइस अभी टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो टर्निंग रेडियस इस बाइक को मैंने सोचा था कि NS200 जितनी होगी, बट NS200 से मेरे को लगता है काफ़ी कम रेडियस है इसकी टर्निंग, जो इजीली आपको सिटी में आप इजीली कोई भी टर्न ले सकते हैं, और सिटी में एक काफ़ी हैंडी बाइक रहेगी ये टर्निंग के मामले में। एंड स्पेशली गाइस इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन लेता है, जिसकी वजह से आप हाईवे पे 100 से 120 तक इजीली क्रूज कर सकते हैं, एंड इस बाइक काफ़ी स्मूथ रहती है 100 से 120 की स्पीड पर। सो गाइस बाइक एक और बार स्ट्रेच करते हैं और यहाँ पे हम टॉप स्पीड अचीव करने की कोशिश करते हैं, कितनी मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ बाइक। सो गाइस देखा आपने मैंने इतनी टॉप स्पीड अचीव कर सकती, इससे भी ज़्यादा बाइक जा सकती है और कैपेबल है, बट मैंने अपने मुताबिक बाइक की टॉप स्पीड अचीव की। सो गाइस आप देख सकते हैं कि रोड काफ़ी बिजी होने की वजह से मैं ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव नहीं कर सका, बाकी ये बाइक इजीली 140 से 150 तक जा सकती है। एंड गाइस रियली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब ये 6000 से अब जाती है तो ये बाइक कैसे बोलती है कि मेरे को रेड वैरिएंट पे ले जाओ, इतना यहाँ पे आपको पंच और ग्रंट देखने को मिलता है। एंड पूरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले भी बोला कि पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है इस बाइक का, और रेड लाइन पे जाने के लिए बाइक काफ़ी आपको एंथुजियाज की थी, इस टाइप की यहाँ पे डिज़ाइन इसने बजाज वालों ने बनाई और रेड लाइन पर ये बाइक इजीली जा सकती है। सो गाइस मैं एक बात बोलना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू अदर पल्सर, ये मेरे को लगता है कि रेड लाइन पर काफ़ी जल्दी जाती है। अब गाइस बात करते हैं माइलेज के बारे में, तो ये आप इजीली 30 से 35 km/h की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो इसका मेनली कॉम्पिटिशन है वो RM5 Version 3 BS6 है, क्योंकि बहुत सारे गाइस इन दोनों बाइक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सिटी मेनली यूसेज है और आपको अच्छी पॉकेट फ्रेंडली जो आपके बजट में अच्छी माइलेज दे, तो आप RM5 Version 3 परचेस कर सकते हैं डेफिनेटली उसमें, और आपको फीचर्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बाइक आपको स्पेशली हाईवे टूरिंग के लिए पर्पज से आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 200cc इंजन मिलता है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी स्टेबल 100 की स्पीड पर रहती है, एंड इजीली आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है, जिसकी वजह से कम्प्लीटली मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक हाईवे टूरर बाइक है। सीटिंग में यूसेज करने के लिए ये बाइक आपको सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा मिलेगा, बट
थोड़ी ही आपको सिटी में यूज करने में माइलेज कम मिलेगी, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो गाइस गो फॉर इट, सिटी के लिए भी ये काफी अच्छी बाइक है। सो गाइस ये था हमारा रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये अभी भी 200cc कैटेगरी बाइक में अभी ड्यूओ जाने ABS आ जाने के बाद वैल्यू फॉर मनी बाइक है। सो गाइस ये था हमारा ओवरऑल डिटेल राइड रिव्यू, अगर आपको ये बाइक अभी भी अच्छी लगती है आप गो फॉर इट। 200cc कैटेगरी में मैं बोलना चाहूंगा कि एक वैल्यू फॉर पैकेज, अभी ड्यूअल चैनल ABS आ जाने के बाद ये बाइक काफी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में होगी और एक कंफर्टेबल हाईवे के लिए आप पैकेज ढूंढ रहे हो 200cc में, तो गाइस गो फॉर इट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू ऑटोमोबाइल्स, एंड गाइस हमारे अपकमिंग वीडियोस की डिटेल जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।